केविन फीवर मूवी की शुरुआत में हम एक हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए शिकार करके लाता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया है, जिससे बहुत ही बुरी तरीके से वो मारा गया है। जब वो उसे छूता है तो इन्फेक्टेड ब्लड हेनरी के ऊपर भी गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम पोल, केरन, बर्ट, जेफ और मर्सी होता है, जो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए उसी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने एक केबिन रेंट पर ली होती है। रास्ते में वो लोग एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ एक लड़का बैठा हुआ होता है, इसका नाम डेनिस होता है। जब पोल उस लड़के से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से काट लेता है। तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो उस लड़के का डैड होता है। वो अपने बेटे पर काफी गुस्सा करता है और उन लोगों से बताता है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। इसके बाद वो मैनेजर पोल को अपने घाव धोने के लिए कहता है। इस दौरान वहाँ पर एक और आदमी मौजूद होता है जो उन लोगों के वेकेशन के बारे में सुनता है तो उन्हें आगाह करता है कि वहाँ पर वो लोग केयरफुल रहें, यानी कि सावधान रहें, और खासकर तब जबकि वो जंगल में हो, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग घूमते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। फिर वो लोग केबिन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क न आने की वजह से बर्ट को काफी दुख होता है क्योंकि वो वहाँ पर वीडियो गेम नहीं खेल सकता। इससे बाकी लोग उसे समझाते हैं कि वो लोग वहाँ पर इंजॉय करने आए हैं, ना कि गेम वगैरह खेलने। इसके बाद हम पोल को देखते हैं जो कैरन के पास पहुंचता है और उससे नेटवर्क के बारे में पूछता है। वो बताती है कि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन वो अब भी अपने फोटोज को अपलोड कर सकती है। इस पर वो उससे कहता है कि तुम्हें फोन रखकर एंजॉय करना चाहिए। इससे कैरन स्विमिंग के लिए जाती है और पोल भी उसके साथ जाता है, और स्विमिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और किस करते हैं। फिर हम बर्ड को देखते हैं जो एक गन लेकर बोर होने की वजह से जंगलों में खेल रहा होता है और वीडियो गेम को इमेजिन कर रहा होता है। इसी दौरान वो जंगल में मौजूद एक आदमी को शूट कर देता है जो कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि डॉग का इन्फेक्टेड ब्लड उसके ऊपर गिरने की वजह से वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे बर्ट बहुत ज्यादा डर जाता है। हालांकि हेनरी उसे मदद मांगता है लेकिन बर्ट उसे अपने पास आने के लिए मना करता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और हेनरी हेल्प के लिए चिल्लाता रह जाता है। इधर बर्ट वापस आने के बाद किसी को इस बारे में नहीं बताता। जब शाम को वो लोग कैंप फायर के पास बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कॉनर नाम का एक आदमी आता है, इसके साथ एक डॉग भी होता है। वो उन लोगों से कैंप फायर के पास बैठने के लिए पूछता है, हालांकि वो लोग उसे मना करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जाता। फिर कॉनर उन लोगों को आइडिया देता है जिससे वो लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक पानी की जगह पर सिर्फ बियर पियेंगे। तभी वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है जिससे कॉनर अपने कैंप में चला जाता है और वो लोग भी केविन के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं उसी समय कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। जब वो चेक करती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है जिसे बर्ट ने गोली मारी थी। वो उन लोगों से मदद मांगता है और कहता है कि उसका शरीर जल रहा है और उससे डॉक्टर चाहिए। तभी उसकी नजर बर्ट पर पड़ती है तो वो उन लोगों से बताने वाला होता है कि बर्ट ने उसे गोली मारी है, लेकिन इससे पहले ही बर्ट दरवाजा बंद कर देता है। इससे बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। तभी वो देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी चोरी करके ले जा रहा है। बर्ट अपनी गन उठाकर बाकी लोगों के साथ बाहर आता है और उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। उसी समय हम देखते हैं कि हेनरी का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है। तभी बर्ट गाड़ी के टायर को शूट कर देता है जिससे वो गाड़ी से बाहर निकल आता है। वो लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं और पोल भी उसे एक जलती हुई लकड़ी से डराने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी की हालत देखकर उसके हाथों से वो लकड़ी गिर जाती है जिससे हेनरी को आग लग जाती है और वो जलता हुआ ही जंगलों की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जब वो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो कैरन कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए क्योंकि हमारे इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उनके पास पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए ना तो फोन में नेटवर्क था और ना ही गाड़ी। उनकी गाड़ी में भी इन्फेक्शन फैल चुका था। अब बर्ट कहता है कि हम कल सुबह गाड़ी को साफ करके उसे ठीक करेंगे और फिर पुलिस को जाकर इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। अगली सुबह हम कैरन को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी पोल आता है और उसे समझाता है कि कल हमने एक आदमी को गोली मार दी, गलती किसी की भी हो लेकिन ऐसा करना सही नहीं था और हमें साथ मिलकर काम करना होगा तभी हम इसे ठीक कर पाएंगे। इसके बाद कैरन इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट और पोल हेल्प के लिए किसी को ढूंढने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ जाती है। वहाँ पर एक औरत एक पिग को काट रही थी
उन्हें देखकर वो बताती है कि अब यहाँ पर जितने भी पिग आते हैं वो सारे के सारे इन्फेक्टेड होते हैं, इसीलिए वो किसी काम के नहीं होते। जब वो लोग इस औरत से मैकेनिक के बारे में पूछते तो वो बताती है कि यहाँ आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं है, इसीलिए तुम्हें टाउन जाना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को टाउन जाना है तो मेरे घर चलो, मैं वहाँ से रिकी को कॉल करूंगी, इसके पास ट्रक है, वो तुम्हें ले जाएगा। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी खुश होते हैं और उसके साथ उसके घर पहुँचते हैं। यहाँ यह औरत उनसे हेनरी का हौलिया पूछती है और उनको हेनरी की फोटो दिखाकर कहती है कि क्या ये वही आदमी था। इससे उन्हें पता चलता है कि हेनरी उस औरत का कजन है। वो दोनों काफी डर जाते हैं और बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि केबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम विंस्टन होता है, जो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही होती है। इसके बाद पोल उसे बताता है कि उन लोगों के ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे इसके लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर काफी अजीब बर्ताव कर रही होती है, लेकिन जब पोल उसे हेल्प मांगता है और गाड़ी के लिए कहता है तो वो उसकी मदद के लिए एक गाड़ी भेजने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। अब जब पोल और बर्ट गाड़ी की सफाई कर रहे होते हैं तभी उन्हें कॉर्नर का डॉग दिखाई देता है जो कि इन्फेक्टेड लग रहा था और वो उन लोगों को काफी अजीब तरीके से देख रहा था। इससे पॉल डर जाता है और उसे एक पत्थर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी मर्सी वहां आ जाती है और डॉग के आसपास गन से शूट करती है, इससे वो डरकर वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम कैरन को देखते हैं जो सो रही होती है। उसके पास पॉल पहुंचता है लेकिन उसे सोता हुआ देखकर वापस जाने लगता है, तभी वो उसे रोक लेती है और अपने पास लेटने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे किस करने लगती है। इसी दौरान जब पॉल उसे टच करता है तो उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो उसके ऊपर से चादर हटाता है और देखता है कि कैरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इससे डरकर वो सभी लोगों को आवाज लगाता है। फिर कैरन उन सभी लोगों से हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन बर्ट उन सबको रोक लेता है और कैरन को बेड पर ही रहने के लिए कहता है। हालांकि इस दौरान कैरन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी को भी उसके पास नहीं जाने देता और सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो उन सबको इन्फेक्टेड होने से बचा रहा है। इसके बाद वो सब लोग एक दूसरे को भी चेक करते हैं और कैरन को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं जिससे बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो। अब हम देखते हैं कि ये लोग प्लान कर रहे हैं कि सब लोग अलग अलग खाना खाएंगे और अलग अलग ही सोएंगे और सब लोग साथ साथ ही रहेंगे ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। तभी वो लोग देखते हैं कि कॉर्नर का डॉग फिर से वहां आ जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो कैरन के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इससे बर्ट गन लेकर बाकी लोगों के साथ उसे शूट करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। जब वो लोग वहां जाकर चेक करते हैं तो वो कुत्ता पूरी तरह से पिघल गया होता है, यानी कि मेल्ट हो गया होता है। अब अगली सुबह हम बर्ड को देखते हैं जो गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और बाकी लोग कैरन को वहां से ले जाने के लिए लाते हैं, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो बाकी लोगों से ये चीज छुपा लेता है। इधर जेफ कैरन को गाड़ी में ले जाने के लिए मना करता है, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते और कहते हैं कि हम इसे यहां पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इस दौरान जेफ ये बात जान जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन ये सुनकर बर्ट अकेले ही गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफ भी उन लोगों को छोड़कर जाने लगता है। मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और कहता है कि तुम लोगों की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, तुम लोग बेवकूफ की तरह एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला रहे हो। इससे मर्सी बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद पॉल कैरन के सारे इन्फेक्टेड कपड़े एक पॉलीथिन में इकट्ठा करके नदी में फेंक देता है। फिर जब वो मर्सी से बात कर रहा होता है तो वो कहती है कि हम सब भी यहीं पर इन्फेक्टेड होकर मर जाएंगे और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इमोशनल होने की वजह से वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इधर हम बर्ट को देखते हैं जो उसी स्टोर में पहुंच जाता है और मैनेजर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। हालांकि बर्ट उसे डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है, वो मैनेजर इस चीज के लिए मान जाता है। तभी उसका बेटा बर्ट को काट लेता है जिससे वो मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक बेटा पहले ही मर चुका है और अब दूसरा भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो बर्ट को मारने के लिए गन मंगाता है। इससे बर्ट बहुत डर जाता है और वहां से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद मैनेजर अपने दोस्तों से कहता है कि केविन में गए सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और उन लोगों को मार देना चाहिए। फिर वो उन्हें मारने के लिए बर्ट के पीछे जाते हैं। इधर बर्ट जब समझ जाता है कि मैनेजर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है। इधर हम मर्सी को देखते हैं जिसका इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है जब वो रेजर से पैरों के हेयर रिमूव कर रही होती है।
तो उसी समय इन्फेक्टेड होने की वजह से उसके पैरों से बहुत ही बुरी तरीके से स्किन निकलने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इधर हम पोल को देखते हैं जो नदी के किनारे खड़ा होता है। टैवी उस पर हेनरी अटैक करके पानी में गिरा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जलने के बाद भी जिंदा था, लेकिन अब पोल उसे नदी में डुबा कर मार देता है। इधर मर्सी को इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी, जिससे वो बाहर जाकर मदद के लिए जेफ को आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर वही इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, इससे उसकी चीख निकल जाती है। इसे सुनकर पोल वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि उस डॉग ने मर्सी को पूरी तरह से खा लिया है। फिर उसे कैरन की आवाज सुनाई देती है। वो गन लेकर उसके पास पहुंचता है और देखता है कि वो डॉग उसे भी नोच रहा होता है। पोल उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद कैरन उससे खुद को भी मारने के लिए कहती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत ही पेन में थी। वो पहले तो मना करता है, लेकिन उसके दर्द को देख कर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन से गोलियां नहीं निकलती, जिससे वो वहां रखे फावड़े से उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इससे कैरन उसे फिर से मारने के लिए कहती है, लेकिन उसकी नहीं होती और वो उस पर वहाँ रखा फ्यूल डालकर आग लगा देता है, इससे वो जलने लगती है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये सब देखकर पोल को बहुत दुख होता है, इससे वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर बर्ट पहुँच जाता है, जो पोल को बताता है कि वो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, और इससे पहले कि वो ठीक से कुछ बता पाता, मैनेजर उसके सर को शॉर्ट गन से उड़ा देता है, इससे पोल बहुत डर जाता है। फिर जब उसकी नजर मैनेजर और उसके दोस्तों पर पड़ती है, तो वो उन्हें गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन से फिर से गोली नहीं निकलती। मैनेजर का एक दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारी सेफ्टी ऑन है। इसके बाद पोल मैनेजर के शूट करने से पहले ही सेफ्टी रिमूव करके उन तीनों को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर पोल मैनेजर की गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने हाथ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है और पैदल चलते हुए कैंप फायर तक पहुंचता है, जहां पर उसे शेरिफ विंगस्टर मिलती है, जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। वो उसे कहता है कि तुमने ट्रक भेजने के लिए कहा था। इस पर वो उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। इसके बाद पोल उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। तभी विंगस्टन के पास ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि केविन में कुछ लड़के रुके हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं और उनके पास हथियार भी हैं, इसीलिए उन्हें देखते ही गोली मार दो। ये सुनकर विंगस्टन पोल की तरफ गन घुमाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन पोल उसकी तरफ बढ़ता है और विंगस्टन को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे केविन में देखने के लिए गई थी और अब मैं तुम्हारी हेल्प से डॉक्टर से मिलने के लिए जाऊंगा। इसके बाद वो ऑफिसर विंगस्टन से काफी रिक्वेस्ट करता है, यानी कि गुजारिश करता है। इसके बाद वो तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से शॉर्टकट लेकर रोड तक पहुँच जाओगे, लेकिन जब वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विंगस्टन ने उसे फंसा दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेफ वापस से उस केविन में आता है और उसे सब लोग मरे हुए मिलते हैं। इसे देख कर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसी समय विंगस्टन उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल भी जंगल में रास्ता न मिलने की वजह से मारा गया है। फिर उस केबिन में पुलिस ऑफिसर आते हैं, जो वहाँ मरे हुए लोगों की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी केबिन की फोटो चेक कर रही होती है, लेकिन जब वो इन्फेक्टेड लोगों की फोटो देखती है तो बहुत डर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।